आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में निर्देशों के क्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जनपद नैनीताल हमारे साथ हैं श्री डोभाल जी देशो सर। और आज हम निकल चुके हैं, सुबह 6-7 बजे पहुंच चुके थे अपने ऑफिस में और कल हमने जो बच्चों को दिए जाने वाले जो फूड पैकेट हैं पूरी तैयार कर लिए हैं। तो गाइज हम लोग भी निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए। तो अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, आप देख रहे हैं 8 बजे से 12 बजे तक का जो प्रोग्राम है स्वच्छता कार्यक्रम का वो होना सुनिश्चित हुआ है आज। और हमने सोचा कि पहले एक बार पूरे जो हमें एरिया जो सेक्टर जो यहाँ पर आवंटित हुआ है DSO सर को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है सूखा ताल से 12 पत्थर तक का, तो एक पहले जो है क्षेत्र में भ्रमण कर लिया जाए कहाँ पे गंदगी दिखाई दे रही है, कहाँ पर हमें क्या कार्रवाई करनी है आगे। तो इसके लिए आप देख रहे हैं सामने, देखिए कितना कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है रोड के किनारे सर, ये देखिए किस तरह से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर। तो पूरी सफाई करवाई जाएगी आज यहाँ पर, जो हमारी टीम होगी उसके द्वारा सफाई की जाएगी पूरी। तो इसलिए हम आए हैं पहले कि कहाँ कहाँ पर गंदगी है। रोड तो बिल्कुल साफ दिखती है लेकिन उसके किनारे पे काफ़ी कूड़ा हमें देखने को मिलता है अक्सर। तो सामने खड़ी है गाड़ी हमारी विभाग की और ये देखिए आप, और यह है पेट्रोल पंप और इसके किनारे देखिए आपने, कल हम आए थे तो यहाँ पर काफ़ी कूड़ा इकट्ठा था, तो आज यहाँ पर सफाई दिखाई दे रही है। और अभी हम जाएंगे यहाँ से 12 पत्थर की ओर जो एक जबकि हमें प्रॉपर डस्टबिन में ही, ये दुकानदार की भी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए सर, जो बोले कस्टमर से कि जो भी आ रहा है तो कोई नागरिक हमारे देश का अगर जागरूक होगा तो प्रॉपर डस्टबिन में डालो सामान, पूरा स्वच्छ दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा। ये हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं सामने पेट्रोल पंप, कल भी हम यहाँ पे आए थे और हमने सभी को से अपील की है कि इस जो ये अभियान जो चलाया जा रहा है आज माननीय उच्च न्यायालय के नेतृत्व में, सभी लोग इसमें सहयोग करें और एक डस्टबिन में ही नहीं क्या सर, ये वाला नाली वाला नहीं कूड़े को डालें, फिर इधर को अभी इधर उधर ना फेंकें, थोड़ा खोल तो रखा है इस तरह से, देखिए ये नाली यहाँ पर पशु बता के गए थे इनको, अभी बताइए तो यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है, पूरा सफाई आपको कुछ टाइम बाद दिखाई देगी। तो पूरा जो है हमारा प्लान जो है आज, पहले हमने कहा कि क्षेत्र भ्रमण हम कर लेंगे अपना जो हमें आवंटित हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और जहाँ जहाँ पे गंदगी दिखाई दे रही है वहाँ पर हम सभी के द्वारा यहाँ पर सफाई करवाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं सामने देश है सर, ये देख सकते हैं आप। तो आज हमने सोचा कि पहले एक बार पूरा जो है क्षेत्र में भ्रमण कर लिया जाए। आ जाइए भैया, जरा से बुला रहे हैं। ये हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, थोड़ा सा एक डस्टबिन में प्रॉपर डस्टबिन में डालने अपना कूड़ा जो है ना इधर उधर, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा जो आते हैं ना टूरिस्ट, हाँ उनको समझाते रहिएगा जरा, जो भी इधर उधर नहीं फेंकना भैया, इसमें पेनल्टी लग जाएगी नहीं तो ना। हाँ हाँ हम जा रहे हैं भी हाई कोर्ट की ओर को, जहाँ पर होना है शपथ ग्रहण समारोह। उसके बाद 8 बजे से 12 बजे तक का समय निश्चित किया गया है सफाई के लिए। तो यह है सूखा ताल की कार पार्किंग, यहाँ पर यहाँ से हमारा जो सेक्टर शुरू हो जाएगा और 12 पत्थर तक का पूरा यहाँ पर
आमंत्रित किया गया डीएसओ सर को। आप देख रहे देखिए किस तरह से नाली में यहाँ को गंदगी और पूरा सफाई करवाई जाएगी आज। आप देख रहे हैं देखिए किस तरह से कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा होता है। कुछ देर बाद आपको क्लीन दिखेगा ही सब एरिया, इसलिए हमने सोचा कि पहले चिन्हित कर लिया जाए। इतना गंदगी क्यों कर रखी यार, सफाई भाई क्या करो। हम यहाँ पे आए थे देखिए कल का, मैं आपको सफाई करवा दूँ। किस तरह से हमने कल भी हम अपने क्षेत्र में आए थे और पैदल हमने भ्रमण किया पूरा क्षेत्र का, सुखाताल से बारापत्र तक का। अक्सर लोग देखे कैसे अब कूड़ा फेंक देते हैं, देखिए आप ही का नंबर होगा? नहीं मेरा ही नंबर है। तो किस बात ऊपर से करेंगे? हाँ और नीचे ऊपर पहले जाना होता है, चीज ऊपर को जाने में आगे थोड़ा सकता भी है। पहले पहले सब गाड़ी पे रहेंगे? सब गाड़ी में रहेंगे, क्योंकि वहाँ बारह पत्थर में इकट्ठा करवा देंगे। सब बारह पत्थर भी करवा देंगे, वहीं इकट्ठा करवाइएगा। कितने लोगों से पड़िए मोटा मोटा? अब सर ये 40 बहुत है, 40 लोग बहुत हैं। पर ये देखो पानी कमा तो जाता है नाली में, वो मैं भी करवा दूँ। उसको होटल के बगल में बहुत गंदा करवा सकते हैं, वो होटल वाले भी कहता हूँ। हर एक चक्कर लेके आते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं सामने, देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ, और उसके साथ साथ हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से देखिए स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है नैनीताल में। हम लोग भी क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं आज पैदल अपने ऑफिस से डीएसए मैदान से बारापत्थर की ओर को। तो गाइस पैदल भ्रमण से एक तो हमने सोचा कि जो भी लोग हमें मिलते हैं उन्हें हम प्रेरित करेंगे कि स्वच्छता अभियान में प्रशासन का सहयोग करेंगे और पूरा प्रदेश व्यापी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है माननीय उच्च न्यायालय के नेतृत्व में। तो हम सभी का एक नैतिक दायित्व भी होना चाहिए कि अपने शहर को सुंदर बनाने में, स्वच्छ रखने में, और लोगों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए। जो भी टूरिस्ट आता है हम सभी का ये नैतिक दायित्व होना चाहिए, तभी हम अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो हम पहुंच चुके हैं देखिए बारापत्थर, यह है पुलिस बूथ यहाँ पर बना हुआ। तो गाइज हमने एक दिन पहले जा कर के ये ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए हैं जहाँ पर कूड़ा बहुत ज़्यादा
मात्रा में इकट्ठा हुआ है और ये आपको पूरा साफ दिखाई देगा। और यह है टैक्सी स्टैंड, आप देख सकते हैं सामने। और ये आपको पहाड़ी फल यहाँ पर मिल जाते हैं इजीली। देखिए आड़ू है, पुलम है, खुमानी है और सीजनल फ्रूट यहाँ पर है। यहाँ पर है घोड़ा स्टैंड आगे सामने। और इनके भी हम जो अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता करेंगे। और यहाँ पर से आप यहाँ पर घुड़सवारी कर सकते हैं और सुंदर वादियों का आनंद ले सकते हैं। जब भी आप नैनीताल आएँ तो आपको हॉर्स राइडिंग यदि करनी हो तो आपको बारह पत्थर आना होगा और यहाँ से आप नैनीताल की वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं सामने बारह पत्थर की जो पहाड़ियां हैं, पथरीली हैं पूरी, आपको दिखाई दे रही है। और यह है बारह पत्थर पुलिस चेक पोस्ट। और यहां से हम अब जा रहे हैं पैदल डीएसए मैदान की ओर को। और आज ही हमने पूरी तैयारी भी करनी है, फूड पैकेट भी तैयार करने हैं। आप देख रहे हैं सामने, देखिए बैनर यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के नेतृत्व में जो सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान। आप ये देख रहे हैं हाईकोर्ट नैनीताल का ये परिसर सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। और जहाँ पर हम अभी सभी लोग एकत्रित होना है उन सभी लोगों को 8 बजे वहाँ पर, जहाँ पर प्रत्येक नागरिक को वहाँ पर सपोर्ट करना है। ये आप देख रहे हैं गेट नंबर 5 हाईकोर्ट का। Thank you.
और कहाँ है कूड़ा? इधर है क्या? देख लो आपकी मधु मैडम कहाँ है? आपकी मधु मैडम कहाँ पे? यार सुपरवाइजर कौन है? मधु है ना? वो कहाँ है? सर आ रही हैं वो। तो अभी उसको थोड़ा रहन देते ना सूखे कूड़े को। आपने साथ को तो उसके तो भी वजन भी होना है ना, वजन भी होगा ना। पहले भी खाते अब बच्चे भी आ रहे हैं, थोड़ा सा साथ साथ चलेंगे। सप्लाई चल रही है ना? ठीक है, हमारा ऊपर की पोशाक भी हम ही छोड़ना चाहेंगे। हमारे जो दो है ना, वैसे बढ़िया था। स्टैंड है ऊपर, यहाँ तक हम लोगों ने साफ सफाई का काम करना है। हमारी टीम में जो है फूड सप्लाई वाले हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास शायद नोडल में है, हमारे साथ यहाँ की वार्ड मेंबर मैडम है, इसमें बच्चे आ रखे हैं, डीडीए कर्मचारी हैं, पीआरडी के जवान हैं और सफाई कर्मचारी हैं। मैं आप लोगों को पूरा धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों जो जो सफाई वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसमें हमारे दो तीन मेन जो हमारे सेंटर हमने वो चिन्हित कर रखे हैं। एक तो आपका जो है ये गाड़ी के पीछे बहुत ज़्यादा सवाल है, रोड पे आप देखिएगा दोनों तरफ को हमें इकट्ठा करना ही है प्लास्टिक वगैरह जो भी होगा, लेकिन जो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी हैं उनके नीचे और उनके पीछे बहुत कबाड़ है। तो हमारा जो बैग है उनको इकट्ठा करके हम लोगों को साफ सफाई करनी है, और उसके पश्चात जब हमारा घोड़ा स्टैंड में जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद 12 बजे हाईकोर्ट में भी कार्यक्रम है, आप लोग चाहे तो वहाँ भी शामिल हो सकते हैं। तो धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, आपकी बात रोड रोड चले जा रही है वो गाड़ी में बैठे हैं। अभी इधर उधर देखो यार, कोने कहाँ कहाँ कूड़ा है। सबसे आगे भी
रुपया भी नोट भर अब वो करें वो बेलचा जैसा है अभी बढ़िया हो गया ना बड़ा बैग मिल गया हमको उठाने के लिए भी इजी हो गया बहुत अच्छा भाई इससे क्या होगा कूड़े की गाड़ी में डाल देंगे इसको आप देख रहे हैं सुबह यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा था और ये सब सफाई करवा दी गई है बिल्कुल क्लीन हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे चलिए थोड़ा जरा आपका नाम क्या है अनिल अनिल जी थोड़ा पीछे सब बच्चों को बट गया सर पैदल रास्ता नहीं नीचे नीचे चलो ये तो पैकेट कोई गाइज आपको रोड पूरी आज क्लीन दिखाई दे रही है पूरा नैनीताल आज बहुत सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे रहा है तो यही हमारा नैतिक दायित्व भी होना चाहिए हम सभी का अपने शहर को स्वच्छ रखें तो गाइज आपने देखा आज पूरा नैनीताल में किस तरह से ड्राइव चलाई गई स्वच्छता अभियान माननीय उच्च न्यायालय के नेतृत्व में पूरे शहर में आज नैनीताल शहर में सफाई अभियान चलाया गया देशव्यापी स्वच्छता अभियान जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंडल विभाग से हमारे विभाग को भी काफ़ी दायित्व दिया गया था उसका निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया सभी के द्वारा तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ अपने साथियों को अपने जो भी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता हैं सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को सहयोग के लिए इसमें फूड पैकेट की जिम्मेदारी दी गई थी हमारे विभाग को जो कि विभिन्न विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उन्हें दिया जाना था और DSO सर को एक सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी दायित्व यहाँ पे दिया गया था सुखाताल से 12 पत्थर तक का एरिया तो मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया पूरा कि किस तरह से यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया और ये है DSA मैदान जहाँ पर आप सामने देख रहे हैं हमारा DSO ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट हो गया है
हालांकि अभी यहाँ पर हमारे पास जगह की कमी है, तो एक हॉल यहाँ पर और आवंटित कर दिया गया है विभाग, और प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी इसमें भी हमारा कार्यालय यहाँ पर संचालित होगा। और बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सभी से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं नैनीताल में, चाहे जो भी दुकानदार हैं हमारे दुकानदार भाई होता है, चाहे होटल व्यवसायी, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया अपने दुकान के बाहर एक डस्टबिन जरूर रखें, और टूरिस्ट को थोड़ा सा प्रेरित करें उसके लिए कि प्रॉपर एक डस्टबिन में ही आप जो है कूड़ा डालें और इधर उधर न फेंकें। यदि हर हमारे समाज का अगर नागरिक अगर जागरूक होगा तो निश्चित रूप से पूरा भारतवर्ष स्वच्छ और सुंदर दिखेगा, जो कि हम सभी के लिए एक अच्छी मिसाल होगी, और पूरे हम एक विश्व को एक अच्छा संदेश दे पाएंगे। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।